सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप लोग IRFC के नाम से जानते हो। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर कल के दिन एक अपडेट आई थी कि इसकी जो क्वार्टर फोर की जो डेट है वो चेंज कर दी गई। पहले 24 तारीख थी, अब वो जो ना अभी चेंज करके आप देखोगे 25 तारीख कर दी गई। जी हाँ, 25 तारीख को कंपनी अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिक्लेयर करेगी और उन सबके साथ साथ आप देखोगे आपको डिविडेंड भी देने जा रही है। तो अब मेन बात आती है भाई, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या करंट लेवल से स्टॉक को पिक करना सही रहेगा या फिर जो ना अभी स्टॉक को वेट करें, स्टॉक को देखें क्वार्टर फोर के बाद खरीदें। तो पब्लिक के बहुत सारे सवाल है, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। कल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं भाई। आज आप देखोगे स्टॉक में 0.29% के आसपास गिरावट आई है, 33.09। अब देखोगे 33.90 रुपये के भाव पर स्टॉक ने क्लोजिंग लिया है, 33.90 रुपये पर। तो इसी के चलते आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम लगी है 4,71,00,000 की वॉल्यूम, यानी कि स्टॉक में एक हैवी वॉल्यूम आज फिर से लगते नजर आई है और जिसके चलते आप देखोगे स्टॉक में थोड़ा बहुत फॉल भी बना है। इस गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना है, हर वीडियो में आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ, पैनिक मत होया करो। स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट अगर आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ से अगर ये शेयर 5-10% टूटेगा ना, फिर से नीचे के लेवल से रिकवरी देगा और अपने उस प्राइस तक वापसी जरूर आएगा, चाहे वो एक महीने में हो चाहे वो दो महीने में हो। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है ना भाई, RVNL हो गया, IRFC हो गया, इन दोनों शेयरों में बिल्कुल सेफ है, घबराने की बात नहीं है। अब मैंने बात आती भाई, अगर कोई ऑपरेटर गेम चलता ना तो हम कहते भी हाँ ऑपरेटर गेम चल रहे हैं, इन स्टॉकों से बचिए, यहाँ पर जो ना बड़ा गेम भी हो सकता है। तो ऐसे स्टॉकों, ऐसे शेयरों को तो हम आपको बोलेंगे नहीं कि यहाँ पर होल्डिंग रखिए। तो यहाँ पर अगर इन शेयरों में आपकी होल्डिंग है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्डिंग में चलिए। जितना आपको मान लीजिए 35 के भाव से उठाया, 36-37 कहीं से भी आपने उठाया ऊपर के लेवल से, ठीक है, तो आपको लॉसेज हुए हैं। तो लॉसेज को लेकर घबराना नहीं है कि आपके लॉस वहाँ पर रिकवरी नहीं होगी, क्या पता भाई एक महीना भी लग जाए वहाँ पर जाने में, क्या पता दो महीने भी लग जाए, लेकिन जाएगा ज़रूर। आपका जो पैसा है ना वो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने बात आती है कल के लेवल, चलिए देखते हैं फटाफट से लेवल क्या रहेंगे। उससे पहले आप देखोगे 25 तारीख को हो गई इसकी डेट चेंज, जो कि क्वार्टर रिजल्ट, और आप देखोगे कंपनी आपको फाइनल डिविडेंड देने जा रही है। तो चलो फटाफट से देखते हैं अब इसके लेवल्स वगैरह क्या रहेंगे, पहले डाटा देखते हैं। तो इसके लेवल्स देखने से पहले एक बार डाटा देख लेते हैं भैया। आज के दिन आप देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 34 रुपये, ओपन हुआ 34.40, हाई लगाया 34.65 और फिर स्टॉक टूटा और लो जो रहा इसका वो रहा है 33.70 और क्लोजिंग जो हुई है वो आप देखोगे 33.90 के भाव पर क्लोजिंग लेते नजर आया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट प्राइस के ऊपर बाइंग के लिए AM ऑर्डर लग चुका है, तो बाइंग के लिए 1,73,587 क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है। तो बाइंग AM ऑर्डर है, बाइंग AM ऑर्डर के साथ साथ आप देखो डिलीवरी पोजिशन जो रही है वो आप देखोगे 20% प्लस निकल चुकी है, 22.34% के आसपास डिलीवरी उठी है, काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठते नजर आई है और दिनों से, ठीक है। और जो ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिल रही है 4,71,31,00,000 के आसपास और 96,38,000 डिलीवरी उठाई गई, तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी तो हम बोल सकते हैं और दिन से कंपेयर करके देखें तो। अदरवाइज जो अच्छी डिलीवरी मानी जाती है वो 40+ वगैरह अगर होती तो वो काफ़ी अच्छी मानी जाती। तो यहाँ से तेजी के संकेत फिर से स्टॉक में आए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट, वहाँ पर सपोर्ट वगैरह क्या बना हुआ है, ऊपर में रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो चलो, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट बना हुआ नीचे में 32.15 रुपये का आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, और जो एक और सपोर्ट रहेगा नीचे में वो आप देखोगे 30.10 रुपये। स्ट्रॉन्गली सपोर्ट आप देखोगे एक अच्छा सपोर्ट है 30.10 का, और इससे पहले आप देखोगे स्टॉक जो अभी 32.15 पर भी सपोर्ट लेते हुए नजर आए हैं, तो ये भी एक इसका अच्छा सपोर्ट है। तो करंट लेवल से अगर स्टॉक के अंदर आप एंट्री लेना चाहते हो क्वार्टर फोर से पहले, तो आपको जो अभी 32.15 का स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए, 33.95 करंट प्राइस है। तो यहाँ से आप देखोगे कल के दिन स्टॉक में ब्रेकआउट जरूर हुआ, लेकिन वो आज हमें जो शेयर फिर से अपने 34 रुपये के भाव के नीचे आते नजर आए हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पर जो हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, 32.15 का स्टॉप लॉस लेकर आप लोग चल सकते हो, और ऊपर में जो इसके टारगेट रहने वाले वो आप देखोगे 36 को अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो 38+ के स्टॉक आपको जो है यहाँ से लेवल दिखा देगा। तो यहाँ से सबसे बेस्ट जो नीचे में सपोर्ट है क्वार्टर फोर के लिए वो 32.15 का रहेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म विजन से जिन्होंने पैसा लगा रखा है स्टॉक के अंदर, ऊपर से देखो भाई उठा रखा है शेयर को, ठीक है, ऑलरेडी 37-35 के भाव से, तो उन्हें अभी वेट करना चाहिए, होल्डिंग में चलिए, अच्छा शेयर है। आपको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर उसने आपने पिक किया अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न स्टॉक आपको निकाल कर दे सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब होना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।